हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सलोनी। सो आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्रोडक्ट का रिव्यू। ये है 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने, और जो इसका ब्रांड नेम है ये है द डर्मा को। सो ये जो सीरम है इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस टाइप के स्किन पे आपको इसे यूज करना है। अगर आप इसे यूज करते हो या बाय करने के बारे में सोच रहे हो, देन इस वीडियो को एंड तक देखो। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एंड आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करके जाने वाले हो। जो भी आपका स्किन प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट रहो एंड मेरा वीडियो सबसे पहले देख सको। सो सबसे पहले इस सीरम के पैकेजिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पैकेजिंग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है वो मेन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ। इसका आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसा है, एज यू कैन सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग कुछ ऐसा है, एंड जो इसका इनर पैकेजिंग है ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक ड्रॉपर रहता है जिसके हेल्प से आप अपने फेस पे इस सीरम को अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये रहा इसकी पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अभी मैं बता दूं, इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है फॉर एक्टिव एक्ने, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा ये किस लिए काम करता है। इस प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह मैं एंड में बता दूंगी या स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, सो आप चेक कर लेना। सो ये सीरम किस टाइप के स्किन पे काम करता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। फेस ऑयली है, एक्ने प्रोन है, या ओपन पोर्स हैं, या आपके स्किन पे छोटे छोटे बम्प्स हो रहे हैं, या जो भी आपके फेस पे एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन आप इसे यूज कर सकते हो। सो अभी मैं बता दूं कि सैलिसिलिक एसिड कैसे हमारे स्किन पे वर्क करता है। सो पहले सैलिसिलिक एसिड ऐसे नॉर्मली भी मिलता है, एंड ये हमारे नेचर में फ्रूट्स वगैरह में भी मिलते हैं। ओके, सो ये बिल्कुल नॉर्मल एसिड है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। द डर्माको का जो सीरम है इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, एंड ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हम 2% से ज्यादा सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं तो वो हमारे स्किन को एक टाइम के बाद नुकसान भी करेगा। सो ओके, सो ये जो सीरम है जब भी हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे फेस पे जितने भी डेड स्किन जमा रहते हैं और जितने भी बंद पोर्स होते हैं इसको ये ओपन करता है, एंड जो भी डेड स्किन है उसको ये मेल्ट करके हमारे स्किन से निकाल देता है। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी थिन है कि हमारे स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब होके एंड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, मीन्स बहुत जल्दी वर्क करता है। आज से 7 या 8 महीने पहले मेरे स्किन पे इतने बड़े बड़े एक्ने हो गए थे, सो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कैसे ठीक करूं क्या करूं, तब जाके मुझे ये सीरम मिला, एंड ट्रस्ट मी ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करा। मैंने अपने एक्ने का पिक्चर क्लिक करा था, अगर वो होगा तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये जो सीरम है ये बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन पे वर्क करा। अगर आपका स्किन ऑयली है देन आप इसे यूज कर सकते हो, अगर आपका स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है एंड स्टिल आपको एक्ने हो रही है, देन मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे यूज करना है। जहां पे अगर आपको एक्ने है सिर्फ वहीं पे आपको छोटा सा इसका ड्रॉप लेके थोड़ा सा लेके ऐसे कर लेना है, दैट्स इट, वहीं पे आपको लगाना है, उस स्पेसिफिक प्लेस पे ही आपको लगाना है जहां पे आपको एक्ने हुआ है, पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना है। एंड जिसका पूरा फेस ऑयली है, पूरे फेस पे एक्ने वगैरह है, देन आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, सो अभी मैं बता दे रही हूँ इसको कब और कैसे यूज करना है। इसे आप नाइट टाइम में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, इस पे मेंशन करा गया है डे प्लस नाइट दोनों टाइम में आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आप इसे नाइट में यूज करो। सिंपल आपको कैसे यूज करना है, फेस वॉश करना है, एंड उसके बाद आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, टोनर वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करना है। इसमें एक ड्रॉपर दिया है, सी ये इसका प्रोडक्ट है, एज यू कैन सी अगर आपको दिख रहा होगा तो, सी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, सी ये कितना रनिंग है आप देख सकते हो, एंड सी बहुत ही जल्दी ये आपके स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, दैट्स वाई ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। सो आपको कैसे अप्लाई करना है मैं बता देती हूँ। मेरे फेस पे बिल्कुल भी अभी मेकअप नहीं है, बिल्कुल मेरा स्किन क्लीन है, मैंने फेस वॉश करा है, जस्ट मैंने लिपस्टिक ऐड करा है क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए। सो ओके, एंड जस्ट आपको जहां पे आपको है एक्ने वहीं पे लगाना है। अगर आपको किसी लाइक फॉरहेड पे आपको एक्ने है तो देन आपको सिर्फ फॉरहेड पे अप्लाई करना है, यहाँ यहाँ पे आप मत अप्लाई करो, यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पूरे फेस पे एक्ने है देन आप पूरे फेस पे अप्लाई करो। ज्यादातर लोगों के नोज पे व्हाइट हेड ब्लैक हेड की
प्रॉब्लम होती है देन आप यूज कर सकते हो वहां पे भी। देन चिन पे थोड़ा सा अप्लाई करना है, उसके बाद बस 3 से 4 ड्रॉप, ज्यादा नहीं यूज करना है आपको। उसके बाद आपको ऐसे थोड़े से मसाज कर लेना है, एंड आंखों के पास आप मत यूज करना क्योंकि ये एसिड है। सो ओके, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से अपने स्किन में मसाज कर लेती हूँ। ऐसा लग रहा है ना मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई करा है, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है मेरा स्किन। अप्लाई करने के बाद इस पे मेंशन करा है आप मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हो, टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि नाइट में अप्लाई करो, फेस वॉश के बाद डायरेक्टली इसे अप्लाई करो, उसके बाद कुछ भी मत अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं, अदरवाइज ये रिएक्ट कर सकता है एंड आपके फेस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मॉइस्चराइजर अवॉइड करो, जब तक आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह है तभी तक आप इसे यूज करो, उसके बाद आप इसे मत यूज करो। जैसे ही आपके एक्ने ठीक हो जा रहा है इसको लगाना बंद कर दो, एंड आप इसे अपने पास रखो। अगर जैसे ही आपको एक्ने हो रहे हैं, लाइक कैसे भी एक्ने हो जाते हैं, लाइक हम बाहर वगैरह जाते हैं या जो हार्मोनल इशू होते हैं उसके वजह से, या जो भी लाइक हमारे फेस पे जिस वजह से भी हमारे फेस पे एक्ने वगैरह हो रहे हैं, तो आप उसे अप्लाई कर लो और ये 2-3 दिन में ठीक कर देता है, नॉर्मल एक्ने रहता है तो। सो इसे आप अपने पास रखो। अगर आपका एक्ने ठीक हो गया, इसको आपको नहीं लगाना है एक्ने ठीक होने के बाद, इसे मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो अभी मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ। इसका जो प्राइस है ये है 499 रुपीज। 499 रुपीज में ये 30 ml मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा दिन जाएगा। ड्रॉपर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हमें अप्लाई करना है, तो इजिली आपका ये बहुत ज्यादा दिन जा सकता है, एंड ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करा है, बहुत अच्छा वर्क करा है। सो अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह है देन आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। मतलब आप 10 चीजें ट्राई कर रहे हो उसमें एक बार इसे भी ट्राई कर लो, जहां तक मुझे लगता है आपका एक्ने 100% ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। सो ये रहा मेरा आज का इस प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप उसे अपडेट रहो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के वीडियो में इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।